आई एम सॉरी मैडम। मैडम जी, मैं इस केस से रिलेटेड कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। काइंडली प्रोसीड। थैंक यू मैम। मैडम, शीशपाल ने गोली चलाई है ये बात सबको पता है। वीडियो लगभग सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल भी है। पर हमारे देश में मर्डर के पीछे की इंटेंशन पर सजा होती है, और इस केस में इंटेंशन तो अब तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो मर्डर का चार्ज तो बनता ही नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ का केस बनता है। तुम्हें पता लग गई इंटेंशन? जी बिल्कुल, वो मैं अभी प्रूफ करता हूँ। अपनी एक्सीडेंटल थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। बुलाइए। ओहो, आयो साहब, तो क्या आप चाहते हैं मेरे क्लाइंट शीशपाल को कड़ी से कड़ी सजा मिले? जी, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि यह आदमी पुलिस फोर्स में रहने लायक नहीं है। धब्बा है पुलिस फोर्स पर ये। और वकील साहब, आप जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इंसान नहीं है, जल्लाद है। यह रिपोर्ट आपने तैयार करी है? हाँ जी। इस रिपोर्ट में यह कहां लिखा है कि शीशपाल ने मर्डर किया है, और मर्डर का मोटिव क्या है? हा? मैडम, अपनी एक्सीडेंटल थ्योरी को मैं कंटिन्यू करते हुए जज रुद्र त्यागी जी को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। बुलाइए। हेलो सर, क्या आप कोर्ट को यह बात बताएंगे क्या शीशपाल ने कभी भी इस घटना से पहले आपके या आपकी फैमिली के साथ कोई बदतमीजी करी हो, या अपनी ड्यूटी में कोई मिसबिहेव किया हो? देखिए, अगर उसने नहीं किया है, लेकिन सर रुकिए, इसका मतलब मैं कोर्ट को अभी बता दूंगा। वर्क प्रेशर, ये जो शब्द है जिसके वजह से आजकल लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरा क्लाइंट शीशपाल भी डिप्रेशन में था। ओए, डिप्रेशन वाला बंदा खुद को गोली मारता है, सामने वाले को नहीं। सर, आप गए हो कभी डिप्रेशन में? मैं क्यों जाऊंगा? सर गए हो, सर बिल्कुल गए हो आप। अच्छा, तूने कब देखा? सर, डिप्रेशन की वजह से आप ये केस लड़ रहे हो। बोथ ऑफ यू कम टू बेंच। लॉयर्स वाली लैंग्वेज तो है नहीं इसकी। पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, मुझे ज्यादा दिन नहीं लटकाना ये केस। मैडम, मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है कि डिप्रेशन वाला बंदा उस बंदे को भी तो गोली मार सकता है जिसके वजह से वो डिप्रेशन में गया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे क्लाइंट शीशपाल को एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका नाम है PTSD। इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से हम जानते हैं। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति वास्तविकता और काल्पनिकता में फर्क महसूस करना बंद कर देता है, और वो अपने माइंड में अलग अलग कहानियां बना लेता है जिसको वो सच मान लेता है। मैडम, ये आजकल के वकील ना हॉलीवुड की फिल्म देख देख के कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी? सर, थोड़ा अपडेट रहा करो आप। बोथ ऑफ यू प्लीज मेंटेन द डेकोरम। यस, काइंडली प्रोसीड। यस माय लॉर्ड। मैडम जी, ये रही रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10% पुलिस वाले अपने नौकरी के शुरुआती 3 से 4 सालों में इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि नौकरी से होने वाले स्ट्रेस को वो लोग झेल नहीं पाते। वाह वाह जी वाह। 15-15 दिनों की छुट्टी के बाद भी अगर ये आदमी डिप्रेशन पे चला जाए तो आप और हम लोगों को तो PTSD होनी चाहिए, नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो हम लेते हैं यहां बैठकर, है? सर जी, एक मिनट। मैडम, मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है। पहला, शीशपाल को PTSD नाम की बीमारी है। दूसरा, शीशपाल का अपनी बीवी के साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। और तीसरा, जज साहब के फैमिली का मिसबिहेव। इन तीनों रीजंस के वजह से शीशपाल डिप्रेशन में था, और घटना वाले दिन जज साहब के लड़के ने शीशपाल से बड़ी ही बदतमीजी से बात करी। मैडम, उस दिन हुई घटना के बारे में मैं इस कोर्ट में अभी बताना चाहता हूं। जज त्यागी जी का लड़का अनिकेत
शीशपाल से गाड़ी की चाबी छीनने लग गया था। शीशपाल को लगा कि कहीं वो उससे उसकी सर्विस रिवॉल्वर ना छीन ले, और इसी छीना झपटी में माँ और बेटे दोनों पर गोली चल गई। हालांकि शीशपाल का ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर शीशपाल डिप्रेशन में था, इसलिए उसने सबसे पहले जज त्यागी जी को और अपने दूसरे साथी गनमैन सुखबीर को कॉल करके बताया कि मुझसे गोली चल गई। मैडम, मेरे क्लाइंट शीशपाल को माँ और बेटे दोनों ने प्रवोक किया, दोषी का कोई इंटेंशन नहीं था। यहां इस केस में देयर इज नो मेंस रिया। जज त्यागी जी ने इस कोर्ट में खुद ही बताया था कि शीशपाल ने कभी भी उनकी फैमिली के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी थी। इस घटना से पहले शीशपाल उनकी फैमिली से बहुत प्यार करता था और कभी भी कोई मिसबिहेव नहीं करता था। हां, गोली शीशपाल से छीना झपटी में चली, क्योंकि उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। इसीलिए किसी भी हालात में यह नहीं कहा जा सकता कि यह केस 302 का है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि यह केस 304 आईपीसी पार्ट 1 में फॉल करता है। इसीलिए इस कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लाइंट शीशपाल को बाइज्जत बरी किया जाए। वाह जी वाह, आपने तो वकील साहब एक अच्छे खासे इंसान को मेंटली डिप्रेस बता दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट जो कि उस वक्त इंक्वायरी के समय मौजूद थे, और उन्होंने साफ कहा है मिलॉर्ड, ये बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का इंसान है। इसने पुलिस को भी बहुत सी कहानियां बताई लेकिन सच नहीं बताया। लेकिन हाँ, लेकिन गोली इसने पूरे होशो हवास में मारी। मैडम जी, मुझे नेक्स्ट डेट दे दीजिए, मैं इस रिपोर्ट की गहराई तक जाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे आज ही फैसला लेना है। और मैडम, इस केस से रिलेटेड मैं कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ। हमारे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक शीशपाल के कपड़ों पे जो खून के धब्बे लगे हैं उसका ब्लड ग्रुप जस सब के बेटे के ब्लड ग्रुप से मेल खाता है। ये वो रिपोर्ट है। और इसके अलावा मैडम, हमारे चीफ बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार अनिकेत के कपड़ों में जो छेद पाए गए हैं वो सिर्फ पिस्तौल की गोलियों से हो सकते हैं। पुलिस ने मौका वारदात से वो पेंटिंग भी बरामद कर ली है जिसे जज साहब की पत्नी और उनका बेटा मॉल से लेने गए थे, और वो पेंटिंग जज साहब की पत्नी ने बनाई थी जिसे फ्रेम करने के लिए उन्होंने उसे मार्केट में दी थी, और वो पेंटिंग जज साहब ने पहचान भी ली है। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इसने दो निहत्ते निर्दोष और मासूम लोगों को सरेआम बेवजह गोलियों से भून दिया, और ये काम इसने सरेआम दिन दहाड़े किया, जो कि वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद है मिलॉर्ड, और उसमें साफ दिखता है कि यह काम करते वक्त इसके चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं थी, ना कोई खौफ था। इसका यह मतलब हुआ कि यह अच्छी तरह जानता था कि यह क्या कर रहा है। मिलॉर्ड, इसको इसलिए भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि जिन मासूम लोगों को इसने दुनिया से उठा दिया, एक मासूम बच्चा जिसने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी उसे खत्म कर दिया। वो इसकी ड्यूटी थी उनकी रक्षा करना, लेकिन इसने रक्षा नहीं की, उन लोगों को जान से मार दिया। मैं अदालत से फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू मिलॉर्ड।